गे करन होने रगड़ते बात हुआ था जब लड़का का एक हफ्ता पहले लड़ाई हुआ था तो फिर आज वो लोग आया, मेरा परिवार मेरा लड़का गया समझाने, तो वहीं परिवार को एक लड़का को वहीं मार के ये कर दिया। वो लड़का आ गया हॉस्पिटल तो फिर घर पे दूसरा गेट तोड़ के मेरे घर में अंदर घुस के आ गया। अच्छा, तब घुस के मारा। अच्छा, कितने बंदे फटे हुए आपके? बंदे कम से 400 बंदा था। नहीं, आपके कितने बच्चे? हमारा दो लड़का है, एक बगल वाला पड़ोसी का है 6 नंबर गली का, और एक लड़का उसका क्या नाम है दूसरे कॉलोनी का। अच्छा, टोटल 4 बच्चे फटे। चार बच्चे बुरा तरीका से। कितने लोगों ने हमला किया था? आप कम से 400 बंदा होगा। हथियार भी थे उनके पास? हाँ, हथियार सब लेके आया था। कोई वीडियो आई सामने? वीडियो किया है, बंदा कितने की वीडियो कर रहा था तो लोग को दबका मार रहा था। अच्छा, लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण ये लड़का को और एक मोहल्ले का लड़का को मारा था, इसलिए उसका मम्मी और इसका भाई बड़ा समझाने गया था क्या बात है, क्यों बंदा घर पे आया। बच्चों की लड़ाई थी? हाँ, बच्चे की लड़ाई में यही एक लड़का है, इसके बराबर एक और है, तो लोग को उठा के मारा था। तो आज 12 बजे आ गया गली में, घर घर घुस के देख रहा था तो ये लोग मिला नहीं, तो ये बड़ा लड़का और मेरा परिवार गया उसको समझाने तो वहीं मारना चालू कर दिया। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? पुलिस तो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, अभी कार्रवाई की प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग तो अभी भी लड़की को छोड़ा घर में लूट मार फिर दोबारा आ गया। कार्रवाई की मांग करते हो? हाँ, कार्रवाई तो करना ही है। त्योहार सी, यह त्योहार मना रही थी, उस दो ग्रुप ने लड़ाई हुई है, बाकी अभी वेरीफाई कर रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है जी। लेकिन सर, होया किस मामले से लड़ाई, किस मामले से हुई? ये दो ग्रुप लड़े हैं जी। लेकिन ग्रुप लड़े ने किया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर भी तलवारा मारी? नहीं नहीं, जो पार्टी कह रही कि साडे घर पे जाके हमला किया, अभी वेरीफाई कर रहे हैं गल। ये फिलहाल कोई मस्जिद या मंदिर वाला इशू नहीं है, ये लड़ाई हुई है शाम के टाइम। तुहाडे कोल की सर दरखास्त है? मेरे को कोई नहीं हजे आया जी, हम पार्टी आनगे हैं, अपनी वर्जन देंगे फिर थोड़ा मैं बैठ जाऊँगा। लॉ ऑर्डर मेंटेन किया? बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन है जी, शांति है। जो लोग जो खराब करते हैं, जो जिन्हें सट्टा वजिया गई उन्होंने स्टेटमेंट लवेंगे, अकॉर्डिंगली जो मंडी कार्रवाई है करेंगे। शाम की टाइम की गल है कि मैं जामा मस्जिद मौजूद सी, तो मैं शाही इमाम साहब कितों कॉलां गई, तो लोगों ने ना तस्वीर भी भेजी कि मस्जिद के गेट पर हमला हो गया, तो फौरी तौर पर मैं उतों इमीडिएट इतने पहुंचा, तो आके देखा जोड़े लोग इतने मौके पर मौजूद सी, उन्हों के कहने के मुताबिक कि जोड़े इधरले धिरते लोग से वो आपस गाली गलोच होंगे लड़ाई करते इतने मस्जिद अगे आ गए, जबकि उन्होंने मुसलमानों ने कोई लड़ाई नहीं सी। तो आप भाई साहब मेरे नाल खड़े है, इन्होंने उन्होंने ये गल कही कि भी मस्जिद है रब का घर है तो तुम जाओ क्यों गाली गलोच करते हो। जदों ये इन्नी गल कह के अपने घर गए तो वो सारे लोग जिन्हें सके, क्योंकि वो वीडियो साढ़े को मौजूद है, लाठियाँ तलवारा इट्टा पत्थर लैके इन्हों के घर वाल पहुँच गए, इन्हें गड्डी का नुकसान भी किया, फिर मस्जिद के गेट पर हमला किया। और जबकि लड़ाई की वजह सानू अज तक यही नहीं पता है, ये लोग भी खुद कह रहे हैं कि साडा तो कोई लेना देना ही नहीं, उन्होंने कोई झगड़ा सी। ये तो देखो हुण प्रशासन इस गल देखना पड़ेगा, उत्ते इलैक्शन का दौर है, ये कुछ भी हो सकता कि समझो, ये कोई तुसी समझो कि इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं देश के विच, ते क्योंकि सब सियासी पार्टियां जिहड़ियां अपना ला लैंदियां कि भी आपस लड़ाओ तो अपना फायदा करो, मगर मैं थोड़े राही सोशल मीडिया के जोड़े लोग अफवाह फैलाते हैं, मैं उन्होंने भी गुजारिश करूँगा कि जरा इतने लोग जोड़े सुकून रह रहे हैं, शांति, जिन्होंने गलती की जी पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक बंदा उन्होंने पुलिस ने जोड़ा फड़ भी लिया, तो इस करके अफवाहों पर ध्यान ना दो, तो अमन और शांति जी तुम बना के लोग मशवरा करके जो है 3:30 बजे तक हमारा मशवरा हुआ, वो मस्जिद के मुतालिक अपना काम करना था, उसके बाद हम लोग जितने भी थे मशवरे में 10-20 लोग वो अपने अपने घर जाने लगे। इतने में ही इधर से जो है मोटरसाइकिलों से कुछ पैदल रॉयल कॉलोनी की साइड से कुछ बंदे आए, जो जिनकी उम्र तकरीबन 15 से लेकर 20-22 साल तक की उम्र थी, कोई मतलब समझदार बंदा उनमें से नज़र नहीं आ रहा था,
तो आके यहाँ पे गाली वगैरह देने लगे आके कि भाई जो है पता नहीं क्या मामला उनका है भाई, रब जाने हमें नहीं पता। इलाके में वो लोग नहीं, वो लोग अक्सर ऐसे है ना, इधर से आते जाते रहते, रास्ता तो यही है उनका। ये सुनने में आया एक दो दिन पहले भी यहाँ मस्जिद की टूटियां उतार के ले गए थे कुछ लोग। देखो उसके बारे में शायद कोई ले गया हो, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ठीक है, उधर ले एक बंदे थे, तीन बंदे थे, सट लग गए जिन्हें, एक बंदा डेथ कर गया। देखो जी इसके बारे में नहीं पता हमें, मुझे नहीं पता, मैंने तो वो कारगुजारी बताई जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस वक्त जब मस्जिद पे हमला किया गया, वो लोग जो है यहाँ से जा चुके थे, जो है कुछ लोग रुके यहाँ पे, लड़के वगैरह रुके, उन्होंने फिर मस्जिद पे हमला किया, फिर मेरे घर तक हमला किया। सामने मेरा घर है, वहां तक ना कृपान लेके गए, जैसे मैं दरवाजे के अंदर चला गया। लेकिन जब मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, मैंने लाठी उठाई और पूरी वीडियो के अंदर सारा जाहिर से मौजूद है, मैं उन लोगों को लाठी से बचा भी रहा हूँ, पत्थर भी आ रहे हैं मेरे ऊपर, कृपाने भी सामने से, मेरे ऊपर डंडे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को भी बचा रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ भाई धार्मिक जगह पे ये काम ना करो। बल्कि वो वीडियो की अगर आवाज़ आप निकाल सकते हो तो बेशक निकाल सकते हो, उसमें ये कह रहा हूँ। बल्कि कुछ लड़कों ने ये कहा जी रब का घर है, हम नहीं चाहते थे ये काम हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने करा इस काम को। और कोई भी देखो दरवाजे के ऊपर जो कृपानों के निशान है, अंदर हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, जमात वाले आए, तो खुदा ना खासा अगर दरवाजा खुला होता न जाना उसके अंदर। मस्जिद का नाम है नूरानी मस्जिद। जो इनफॉरमेशन है जी, उसे दो पार्टियां सी गया, उन्होंने बच्चों के बीच होया है झगड़ा, जंग है जिसे कुछ, और एक पार्टी से सट्टा है, थाने आए थे, सिविल हॉस्पिटल दाखिल हुई है, देखते हैं जी जो भी बनता है कार्रवाई मंच की लिया जाऊंगी। अच्छा जी, तो सर किन्ने बंदे जो फटड़ हुए हैं? चार बंदे दाखिल है जी। तो सर लड़ाई का कारण की रहा जी? चल रही है जी, हजे इनक्वायरी चल रही है, वेरीफाई कर रहे हैं की कारण। तो सर दसिया जा रहा है कि कोई डेथ वगैरह भी हुई जी? नहीं, ओके, फटड़ हुए चार बंदे। हाँ जी, ओके सर, की कार्रवाई की गई जी? हजे होनी इनफॉरमेशन आई है जी, कर रहे हैं कार्रवाई जो भी होगी। तो सर कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आई है? हजे चेक कर रहे हैं जी जस्ट। ओके।